टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। उसे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार मिली है। हालांकि भारतीय हॉकी टीम के पास मेडल जीतने का मौका अब भी बाकी है। अब वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। हॉकी में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में अपना बेस्ट दिया और यही मायने रखता है। अगले मैच और भविष्य के लिए टीम को शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेमीफाइनल में भारतीय टीम की हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि टीम बहुत अच्छा खेली। बड़ी खबर आपको बता दें, सेमीफाइनल में भारतीय टीम की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन पर बात की है और उनका हौसला बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा है कि टीम ने बहुत अच्छा खेला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम बेल्जियम से हार गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को फोन किया और ये कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला है और सबकी हौसला अफजाई की। जनक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, देखिए, भारतीय टीम हार गई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर उनका हौसला बढ़ाया है। बिल्कुल, देखिए, हाल ही में जो बेल्जियम के खिलाफ जो चल रही थी उसमें 5-2 का मुकाबला कड़ा, काफी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इतने लंबे समय बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल बना के गोल्ड की दावेदारी करेगी और एक गोल्ड भारत में लेकर आएंगे। लेकिन इस बार जो आज शायद दिन अच्छा नहीं था हॉकी टीम के लिए और पिछले जो 6 मिनट बाकी थे और काफी रेसिंग के लिए लगा कि एक बार शायद हो सकता है कि हम ये मैच जीत भी जाएं, लेकिन दिन अच्छा नहीं था। बावजूद पीएम मोदी लगातार इस जो मैच है उसको देख रहे थे, उसके बाद जब हौसला अफजाई के लिए कप्तान टीम के कप्तान से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से खेले हैं आप। आज का दिन शायद नहीं था भारतीय हॉकी टीम के लिए कि वो अच्छी तरह परफॉर्म कर पाए, लेकिन अब तक का जो उन्होंने टीम को हराया, बाकी टीमों को, प्रतिद्वंदियों को हराया, उसके मुकाबले काफी अच्छा दिन रहा। और पीएम ने खुद उन्होंने फोन पर बात की और आश्वासन दिया कि बेहद अच्छी तरीके से खेले हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अब अच्छी तरीके से आगे भी खेलते रहे। तो उम्मीद के साथ पीएम ने कप्तान भारतीय हॉकी टीम के कप्तान से बातचीत की है। जी शुक्रिया जनक। सरकार कह रही है।